जब आप अपने ऑफिस का काम घर से काम करना स्टार्ट करेंगे, आपने इंटरनेट का मसला हल कर लिया, अपने जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनका मसला हल हो गया, बैकअप इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ गई है, आपके पास इंटरनेट बैकअप पे अवेलेबल है, आप जब अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं ताकि आपके टीम मेंबर आपके साथ रहें। ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करने से आपकी प्रोडक्टिविटी इंशाल्लाह या तो ऊपर जाएगी और या उसी लेवल पे रहेगी जो आपके ऑफिस में काम करने से थी। आपकी प्रोडक्टिविटी या आपकी ग्रोथ इससे नीचे नहीं आएगी इंशाल्लाह, और आपको ये छोटे छोटे काम करने से फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने टीम के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने ऑफिस में मीटिंग्स करते थे, एक स्टैंड अप मीटिंग होती होगी जब आपके वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं, फिर लंच टाइम से पहले या लंच टाइम के बाद मीटिंग होती होगी, फिर जाने से पहले लोग अपनी अपने वर्क लॉग्स या जो भी उन्होंने आज काम किया वो सबमिट करते होंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको घर से काम करने के अंदर भी मैनेज करवानी है, और आपको अपने अपने आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको कहना है कि ये सारे वो काम हैं जो आपको करने ही करने हैं, और ताकि आपके काम हमको पता चलता रहे और आपके साथ हम कनेक्टेड रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ और कंपनीज़ के अंदर ऐसा होता है कि थंब मशीन या फिंगरप्रिंट मशीन लगी हुई होती है और उससे चेक इन या चेकआउट हो जाता है, तो नॉर्मली लोगों को महीने के आखिर में ऑफिस का एडमिन या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसकी लॉग निकाल लेते हैं और उससे सैलरी शीट बना देते हैं या अटेंडेंस लॉग बना लेते हैं। लेकिन जब आप घर से काम कर रहे होंगे तो लोग ऑफिस नहीं आ सकते अपना अटेंडेंस लगाने के लिए, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना सकते हैं, आप किसी और सोशल मीडिया टूल को यूज़ करते हुए ग्रुप बना सकते हैं जिसके ऊपर जो भी आदमी काम करने के लिए आए वो अपना अटेंडेंस वहाँ पे मार्क कर दे और जाने से पहले अटेंडेंस मार्क कर दे। इसी तरीके से अगर आपको कोई वर्क लॉग कोई डेली बेसिस के ऊपर आके बताता था कि मैंने आज ये काम किया है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको लिख के व्हाट्सएप पे बता दे या वॉइस नोट बता दे, या आपको टाइम टू टाइम बताता रहे, या आप उसके साथ छोटी छोटी मीटिंग्स स्केड्यूल कर सकते हैं। तो जब आप ये सारे काम छोटे छोटे करेंगे तो जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या जिन लोगों को आप डायरेक्टली मैनेज करते हैं उनको ऐसा फील नहीं होगा कि हम घर से काम कर रहे हैं और हम सब अलग अलग हो गए। जब आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनके साथ साथ रहेंगे तो उनको अच्छा फील होगा, उनको बेहतर लगेगा और उनको ऐसा नहीं लगेगा उनको कि उनको किसी को रिपोर्ट नहीं करना या उनसे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है या उनको कोई मैनेज नहीं कर रहा। तो ये काम आप ज़रूर अपने साथ इम्प्लीमेंट करें जब आप घर अपने पास इम्प्लीमेंट करें जब आप घर से काम कर रहे हैं। शुक्रिया।